दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ ओके टच में। दोस्तों दरअसल भारत में जन्म से पहले बच्चे का लिंग पता करना अपराध है, लेकिन दोस्तों हम आपको बताएंगे कि प्रकृति मनुष्य के लिंग का निर्धारण कैसे करती है, और साथ ही हम आपको उन प्रचलित और पारंपरिक नुस्खों के बारे में बताएंगे जिनकी मदद से बच्चे के लिंग का अनुमान लगाया जाता रहा है। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मेरी वीडियो को अपनी फैमिली और दोस्तों पर शेयर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों बात करते हैं लड़का या लड़की कैसे पैदा होती है। दोस्तों जीव विज्ञान के मुताबिक महिलाओं और पुरुषों में दो तरह के गुणसूत्र पाए जाते हैं। महिलाओं के अंडाशय में XX क्रोमोसोम और पुरुषों के शुक्राणुओं में XY क्रोमोसोम होता है। XX क्रोमोसोम लड़की और XY क्रोमोसोम लड़की के लिंग का निर्धारण करते हैं। जब पुरुष के शुक्राणु का Y क्रोमोसोम महिला के अंडाशय के X क्रोमोसोम से निषेचित होता है तो लड़का पैदा होता है। इसी तरह जब पुरुष के शुक्राणु का X क्रोमोसोम महिला के अंडाशय के X क्रोमोसोम से निषेचित होता है तो लड़की पैदा होती है। दोस्तों बात करते हैं गर्भ में लड़का होने के लक्षणों के बारे में। दोस्तों गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है लड़की, इसका 100% सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन फिर भी कुछ सामान्य लक्षणों के आधार पर लोग गर्भ में लड़का होने की भविष्यवाणी करते रहे हैं। नंबर एक, पेट का आकार। अगर गर्भवती महिला का पेट भारी और नीचे की ओर झुका हुआ है तो इसे गर्भ में लड़की की मौजूदगी के लक्षण के तौर पर देखा जा सकता है। नंबर दो, त्वचा में बदलाव। प्रेगनेंसी के दौरान त्वचा में बदलाव आना एक आम बात है, फिर भी ऐसा माना जाता है कि अगर गर्भ में लड़का है तो गर्भवती महिला के चेहरे पर दाने, मुहासे, दाग ज्यादा दिखने लगते हैं। इसके अलावा गर्भवती महिला का चेहरा भी मुरझाया सा दिखने लगता है। नंबर तीन, स्तनों के आकार में बदलाव। प्रेगनेंसी के दौरान एक महिला के शरीर में हार्मोन्स की वजह से बहुत सारे बदलाव होते हैं। इस दौरान महिलाओं के स्तनों का आकार बढ़ता है जिससे वे स्तनपान के लिए तैयार होती हैं। हालांकि दोनों स्तनों के आकार में थोड़ा फर्क होता है। अगर दायां स्तन बाएं स्तन से बड़ा और भारी हो तो इसे गर्भ में लड़का होने का लक्षण माना जाता है। दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को ऑन करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।